गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार गौतम, हमारे यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दें, साथ में बेल आइकन दबाएं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हुकबॉर्न इन्फेक्शन के बारे में, यह किस प्रकार से फैलती है, इसका किस प्रकार से हम लोग बचाव कर सकते हैं। हुकबॉर्न इन्फेक्शन मेनली यह बच्चों में होती है, बच्चों के पेट में कीड़े काटते हैं, बच्चे दूषित खाना खाने और गंदा पानी की वजह से यह बीमारी उनके लिए फैलती है। हुकबॉर्न इन्फेक्शन, हुकबॉर्न्स आर इंटेस्टाइनल ब्लड्स फीडिंग पैरासाइट्स राउंड बॉर्म दैट कॉज इन्फेक्शंस नोन एज हेलमिंथेसिस। इन ह्यूमन हुकबॉर्न इन्फेक्शन कॉज्ड बाई टू मेन स्पीसीज, जो ह्यूमन को कॉज्ड करती है, दो स्पीसीज होती हैं बॉर्न बिलोंगिंग टू एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनस और निकिटोर अमेरिकिनस। इन अदर एनिमल्स द मेन पैरासाइट्स आर स्पीसीज ऑफ एनसाइटोस्टोमा ब्राजिलियंस एंड एनसाइटोस्टोमा ट्यूबरफॉर्म्स। जो एनिमल्स में होती है वो एनसाइटोस्टोमा ब्राजिलियंस के द्वारा होती है। वाइल्ड कैट्स आर इन्फेक्टेड बाय एनसाइटोस्टोमा क्लोरीडिनेटेटम, और डॉग्स में भी कॉमनली होती है इन्फेक्टेड बाय एनसाइटोस्टोमा कैनियम। एपिडेमियोलॉजी, थ्री कंडीशन आर इम्पोर्टेंट्स फॉर ट्रांसमिशन, या तीन कंडीशन ट्रांसमिशन होती है, जैसे ह्यूमन फीकल कंटामिनेशन ऑफ सॉइल्स, लोग खुले में शौच करके आते हैं, वह सूख जाती है और काफ़ी टाइम पर वहीं पर पड़ी रहती है, और मक्खियों के द्वारा वह घर के अंदर या फल या फ्रूट्स पर पहुंच जाती है, या कहीं सब्जी वाले बगीचे में मक्खियों के द्वारा पहुँच जाती है, और फेवरेबल सॉइल्स कंडीशंस फॉर लार्वा सर्वाइवल, जैसे मॉइस्चर बर्थ सेट्स, जो उसकी लार्वा होती है वो मिट्टी में बहुत टाइम तक रहती है। कॉन्टैक्ट्स ऑफ ह्यूमन स्किन विथ कंटामिनेटेड सॉइल्स, ह्यूमन जैसे कि खुले में शौच किया और वह सूख के काफ़ी टाइम से वहीं से सूख के डली है, और लोग वहाँ जाएंगे अपने खेतों में काम करेंगे, जिसकी वजह से भी है इसका ट्रांसमिशन होता है। इसकी लाइफ साइकिल है हुकबॉर्न की, है किस प्रकार से हमारी बॉडी में एंटर करता है। सर्वप्रथम ये हमारे इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन को वहाँ पर जगह बनाती है, जगह बनाने के बाद वह अपना आकार क्रिएट कर लेती है। क्लिनिकल फीचर्स, हमारी बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं, दे लीड्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एंड प्रोग्रेसिव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। सर्वप्रथम ब्लड की कमी होती है और आयरन डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया भी होने, प्रोटीन की भी कमी हो जाती है। पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन में कफ आने लगता है, चेस्ट पेन और पेरेंजियल इरिटेशन होने लगती है, फीवर आने लगता है, और जीआईटी मैनिफेस्टेशन में एपिगैस्ट्रिक पेन होने लगता है, इनडाइजेशंस, नोसिया, वोमिटिंग, उल्टी होने लगती है, डायरिया, पानी की कमी हो जाती है। ओक्यूस इन द लार्ज स्टेज, साइनो एवॉइड्स सीवर इन्फेक्शन और प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन की कमी हो जाती है, कार्डियक फिलर्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशंस विद एसाइड्स। इसके डायग्नोसिस हम लोग काटो टेक्निक्स के द्वारा इसका टेस्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन कैन बी परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन वकल कैविटी स्पेस बिटवीन ओरल ओपनिंग एंड एसोफेगस। हुकबॉर्न रिहैबिलिटेशन फॉर्म्स लार्वास हैव लॉन्ग वोकल कैविटीज, या ब्लड एनालिसिस शोर के द्वारा एसनोफिलियास की जांच करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट्स।
मेनली ट्रीटमेंट के लिए एनथेलमेंटिक्स ड्रग्स देती हैं, जिसमें एल्बेंडाजोल 400 mg दिन में एक बार, हम लोग बच्चों को भी 3 महीने में एक बार, 6 महीने में 2 बार खुराक दी जाती है। भारत सरकार WHO द्वारा भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें बच्चों को एल्बेंडा टैबलेट्स खिलाई जाती है। प्रिवेंशन, इसका किस प्रकार से हम लोग बचाव कर सकते हैं, खुली जगह में हम लोग शौच ना करें और खुली जगह में टॉयलेट भी ना करें, और जहाँ पर कूड़े कचरे फेंकने का स्थान होता है वहीं पर हम लोग कूड़ा कचरा फेंकें, और जो भी लोग हैं उनको इसके बारे में शिक्षा दें, और अपना जो भी घर है उसे साफ़ सुथरा रखें।